हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ विज्ञान पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आइए दोस्तों, हम क्लास टेंथ का सॉरी 5.3 चल रहा है आज। उसको 5.3 का हम लोग 7 नंबर और 8 नंबर करेंगे। कोई इसके पहले हमने इसका वीडियो आपको 1 2 3 4 5 6 तक लोड कर दिया है, आप देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर देख प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। कितना पदों का योग पूछ रहा है? 22 पदों का योग ज्ञात करना। कितने पदों का योग ज्ञात करना? 22 पद, जिसमें आपको टी बराबर 7 और 22वां पद का मान दिया है 149 दिया हुआ है। कह रहा है कि उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग, यानी एस कितना पदों का योग चाहिए? 22 पदों का योग चाहिए। कह रहा है कि n का वैल्यू कितना दिया इसमें? 22, यानी 22 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी यह चाहिए आपको तो वाट कर दिए। जहां आपको d बराबर आपको दिया है 7 और 22वां पद के 22वां पद बराबर कितना दिया है? 149 दिया है। यानी a 22 इज इक्वल टू आपको 149 दिया है। सबसे पहले देखिए, हमको अगर s चाहिए तो a चाहिए ना इसमें। देखिए a नहीं दिया है, n का वैल्यू दिया है। हम जानते हैं एस चाहिए तो एन का वैल्यू तो पता है, इसमें भी पता है, यहाँ पर भी पता है, क्योंकि जानते हैं कि एस एन को हम लोग एस एन को ही एस एन लिखा जाता है। तो डी हमको ये चाहिए ना, ये कहाँ दिया है? ये दिया ही नहीं तो कैसे हमारा निकल पाएगा 22 पदों, क्योंकि और देखिए अगर आप लगाते हैं एस एन का फॉर्मूला 22 एस 22 पदों का ही लगाते हैं, एस एन बराबर होता है 1/2 × 2a + n − 1 × d होता है। तो क्या आपको चाहिए ना? डी तो मिल जाएगा। क्या आपको एन तो भी पता है, एन का वैल्यू आपको 22 यहाँ पर दिया, देखिए एस 22 हो जाएगा, एन 2 तो एन का वैल्यू तो आपको 22 हो ही जाएगा। 2a का वैल्यू कहाँ पता है? क्या पता आपको ए का वैल्यू? प्लस एन का वैल्यू तो आपको 22 − 1 × d का वैल्यू देखिए क्या दिया है, डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया 7। ये तो क्या आपको ये पता ही नहीं है, कैसे निकलेगा? अच्छा इस 22 पदों का यू भी पता नहीं, वही तो हमको वाट है, कैसे निकालेंगे इसके? इससे अच्छा है कि सबसे पहले हम अंतिम पद को सॉल्व करते हैं। अंतिम ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप देख सकते हैं ए एन का वैल्यू आपको 22 दिया है, ए का वैल्यू नहीं दिया है, प्लस एन का वैल्यू 22 दिया है, लेकिन एन का जगह पर दिया है ना, देखिए एन के जगह पर आपको 22 लिखा है, माइनस वन इंटू डी का वैल्यू आपको दिया है कितना? 7। सॉल्व कीजिएगा तो ए 22 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा कितना? आपको a प्लस ये घट जाएगा तो आपको 21 हो जाएगा। 21 में 7 से गुणा 7 कितना हो जाएगा? 21 में आप गुणा कीजिएगा 7, ये 7 एक 7 7 में 14 147। अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना दिया दोस्तों? इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा जानते हैं हमने, a 22 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 149 दिया है। इजकल टू a प्लस 147 हो जाएगा, इसको खींच लीजिए, 149 − 147 इज इक्वल टू ए। घटेगा तो देखिए 9 में 7 गया 2 हो जाएगा दोस्तों, यानी ए का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों आपको? लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए एस 22। एस 22 के लिए फार्मूला होता है और एस एन का फार्मूला आपको 2 होता है। पहले तो होता है आपको एन 2 × 2a + n − 1 × d। जब डी दिया हो तो इसको लगा सकते हैं आसानी से, चलिए लगा ही देते हैं। एस कितना पद का चाहिए? तो एन का कह रहा कि 22 चाहिए, लेकिन एन के जगह पर 22 दिया ना, 22 रख दीजिए, प्लस एन 22 बटा आपको कितना हो जाएगा? 22 बटा 2 × 2a, तो 2a का वैल्यू इस बार कितना दे दिया है? 2, यहाँ पर 2 रख दीजिए, प्लस एन का वैल्यू 22 − 1 × कितना? आपको देख सकते हैं डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है पहले से 7, डी मिला हुआ 7 मिला है ना दोस्तों। सॉल्व कीजिए, एस 22 पदों का योग आपको नहीं दिया है, ये कट जाएगा तो आपको 11 हो जाएगा, इंटू यह 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना गया? 21 में से 1 गया तो आप जानते हैं 22 में से 1 गया तो 21, 21 से 7 से गया तो 7 एकम 7 7 गुना 14 147। इसको ऐड कीजिए कितनी हो जाएगी? आपको सॉल्व कीजिए तो एस 22 बराबर आपको निकल जाएगा, या आपको 11 हो जाएगा, या आपको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपको 47 451 हो जाएगा, यानी आपको 1 8 4 15 1 हो जाएगा। हो जाएगा दोस्तों, अब 11 से मल्टीपल कीजिए, एस 22 बराबर हो जाएगा, देखिए 11 × 11 हासिल 1 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 1 × 56 = 6 हासिल 5 हो जाएगा, और फिर 11 × 11 11 5
कितना हो गया 1116, यानी आपको एस 22 में डिवाइड करिए कितना हो गया 1661। फिर एक बार मल्टीपल चेक करते हैं, 11 एकम 11 हासिल आपको एक बचा, फिर अब उसके बाद 11 55 55 56 56 हासिल 5 हो जाएगा, 11 एकम 11 5 16 आपको एस 22। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिए। अब आते हैं हम इसको, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हमारे बनाते हैं इसका 2 नंबर। थोड़ा सा इसमें परछाई आ जा रहा है क्योंकि रात्रि को वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों, इसलिए इसमें थोड़ा सा आ जाएगा आपको। आप जा इस मोबाइल का मेगा पिक्सल बढ़ा लीजिए, 360 मेगा पिक्सल या 480 मेगा पिक्सल को देखिए, आपको साफ साफ क्लीन दिखेगा। आपको दिया इसमें देखिए दोस्तों, अब 8 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको इसमें दिया है, आपको उस एपी का, इसमें भी वही क्वेश्चन सेम 7 की तरह क्वेश्चन 8 भी है, कह रहा है कि उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग याद कीजिए। देखिए इसके पहले में हमको 22 पदों का योग पूछा था, अब इसमें कह रहा है कि उस एपी का प्रथम से 51 पदों का क्या चाहिए, योग चाहिए। प्रथम से यानी कह रहा है कि हमको शुरू से जोड़कर बताइए कितना पदों का योग चाहिए, कह रहा है कि 51 पदों का योग, योग लिखा है ना, योग के लिए कितना पद का योग, 51 पद जगह पर कितना लिख दीजिए, 51 लिख दीजिए, हो जाएगा 51 पदों का योग याद कीजिए। व्हाट है साथ में कह रहा है, जिसके दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। देखिए कह रहे कि दूसरा और के बाद तीसरा कह रहा है, कह रहे कि दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18, तो जो पहले कहेगा पहले उसका वैल्यू देगा, क्रमशः का मतलब सुनते हैं लगातार, जो पहले कहता है पहले उसका वैल्यू देता है, तो पहले दूसरा कहा तो दूसरे पद का वैल्यू आपको 14, और के बाद आपको तीसरा कहा तो और के बाद आपका तीसरा पद का वैल्यू देगा कितना 18, यानी पहले दूसरा तो दूसरा A2 लिखते हैं, इसका वैल्यू आपको 40 दिया है, साथ में इसका आपको तीसरा पद यानी A3 इसका वैल्यू आपको दिया है कितना 18 दिया है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, और एस ये चाहिए तो इसमें भाई हमको A पता होना चाहिए, N पता है आपको, D पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए ना, तो AD का वैल्यू इससे निकलेगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सबसे पहले A2 को अगर सॉल्व करेंगे, इसको A2 को सॉल्व करेंगे तो A2 बराबर आपको 40 है ना, तो दूसरा पद है, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A+D=40, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो A+ कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, और A3 का देखा जाए तो A3 क्या होता है, A आपको हो जाएगा A3=2 हो जाएगा, आपको 18 दिया है, इसको सॉल्व कीजिए तो A+2D=2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, ये आपको समीकरण 2 हो जाएगा। और इसको दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा तब जाकर हमारा ए और डी का वैल्यू, अब लिखते हैं समीकरण वन और टू से हल करेंगे, तो देखिए A+D=2 आपको 40 मिला हुआ है, A+2D=2 कितना मिला है दोस्तों, आपको 18 मिला है। आपको सॉल्व करेंगे तो माइनस ये तो कट जाएगा ना, ये घट जाएगा तो माइनस का डी हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर कितना निकल गया आपको, अब डी का मान रख दीजिए, डी के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 देखिए यहाँ पर मिला हुआ है, यहाँ पर रख दीजिए A+D का स्थान पर मान रख दीजिए डी का, तो डी का वैल्यू कितना दिया, 4=2 आपको 14 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो A=14 - 4=2 A बराबर आपको कितना हो जाएगा, आप A=10 हो जाएगा ना दोस्तों। देखिए हमारे यहाँ से डी का वैल्यू भी निकल गया है, यहाँ से ए का वैल्यू, अब आसानी से हम एस एन ज्ञात कर सकते हैं, कितना पदों का चाहिए, एस एन हमको चाहिए 22 पद, कितना एस एन 51 पदों का ही चाहिए, यह चाहिए ना, तो एस एन बराबर फॉर्मूला तो डी देगी, इसमें डी भी पता आ रही तो डी वाला फॉर्मूला लेगा, तो N/2 (2A+N-1)D होता है। अब यहाँ पर देखिए एस कितना 51 कर दीजिए, एन का वैल्यू आपको कितना पता हो गया, 51/2 हो गया, (2A) का वैल्यू कितना पता है दोस्तों, आपको 10 पता है तो 10 रख दीजिए, प्लस हो जाएगा, एन का वैल्यू 51 - 1 (D), डी का वैल्यू कितना पता है आपको, देख लीजिए डी का वैल्यू यहाँ से 4 है तो 4 रख दीजिए, सब हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए 51/2 तो कटेगा नहीं, तो सेम का सेम लिख दीजिए, यह 20 हो जाएगा प्लस ये देखिए 51 में से गया तो 50, 50 से 4 में गुणा होगा तो 50 चौका कितना होता है 200, तो 200 लिख दीजिए, डरते क्यों है, लिखिए। यहाँ पर आपको 51/2 कितना हो जाएगा 2। अब ये देखिए ये जोड़ेंगे तो हमारा 220 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 51 × आपको हो जाएगा 2 × 220। 2 से कटा दीजिए, 2 × 2 0 × 0। अब आपको 51 में गुणा करना होगा 11 से, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 51 में 11 से गुणा करके 0 लगा देंगे। देखिए 11 × 11 हासिल आपको 1 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 55 × 1 = 56 हो जाएगा, 1 0 देंगे, यानी आपको इस 51 पदों का योग जो आएगा तो आपको आएगा कितना, आपको 5610 आएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फेसबुक और सब पे शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्तों के पास पहुंच सके, ताकि वो भी पढ़कर अपने एग्जाम का तैयारी कर सके। जय हिंद, जय भारत।